Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Zara Homes Jatchella. DTCP approved layout. Invest for the better future. Alam-e-Islam ko Ramzan Mubarak. Prince Sari Center, Old Ganj Clock Tower, Mehboob Nagar. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। नव नामजद वक्फ कॉम्प्लेक्स कमेटी की आज हलफ बरदारी तकरीब बामुकाम वक्फ कॉम्प्लेक्स ऑफिस में मुनक़िद हुई। इस हलफ बरदारी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मुकामी रियासती वज़ीर डॉक्टर विश्री निवास कौर ने शिरकत की और नव नामजद कमेटी को हलफ दिलवाया। सदर की हैसियत से मोहम्मद महमूद अली, सेक्रेटरी की हैसियत से जाकिर एडवोकेट नायब, सदूर की हैसियत से सैयद मोहसिन, खाजा पाशा ट्रेजरर की हैसियत से मुजीब अंसारी और अराकीन की हैसियत से अब्दुल हकीम, अब्दुल सलमान, खाजा शकील, मोहम्मद अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद सज्जाद, जहांगीर खान, अली अफाई, मोहम्मद शोएब ने हलफ लिया। इस तकरीब में रियासती वजीर डॉक्टर विश्रीनिवास गौर ने मुखातिब करते हुए कहा कि शहर महबूब नगर गंगा जमुना तहजीब के लिए मशहूर है और रियासती हुकूमत मुस्लिम अखलियातों की फलाह बहबूदी के लिए कई एक स्कीमात रोबे अमल ला रही हैं। इन्होंने कमेटी के अहदेदारों को मुबारकबादी दी और गरीबों को हर मुमकिन ताउन करने की हिदायत दी। इस मौके पर दिगर मुस्लिम कायदीन ने नव नामजद कमेटी की तहनियात पेश की और साथ ही साथ इफ्तार का भी माकूल अहतमाम किया गया। इस मौके पर बल्दिया चेयरमैन के सी नरसिम्लू, AMC चेयरमैन अब्दुलरहमान JJR, ज़िला सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी साहब, जावे बिन सईद अल जाबरी कोआर्डीनेटर इंचार्ज मजलिस, अहमद सना सदर जामा मस्जिद, तकी हुसैन तकी सदर ईदगाह कमेटी, मोहम्मद जफर सदर जहांगीर पिरान ITI, बल्दिया काउंसलर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, शब्बीर अहमद, मुश्ताक रशीद, मोहम्मद महबूब, मुजम्मिल मुहीउद्दीन, राशिद खान, रियाज उद्दीन अमजद, कॉप्शन मेंबर अरशद अली के अलावा BRS कायदीन व कारकुनों की किसी तादाद मौजूद थी। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। मैं कसम खाता हूँ कि अल्लाह की इस जायदाद की हिफाजत करूँगा और इस जायदाद की डेवलपमेंट के लिए काम करूँगा और गवर्नमेंट के नाम रोशन करूँगा और हमारी गवर्नमेंट का तमाम अहकाम को बजा लाऊंगा। जय श्री राम। सलमान वो प्रेजेंट का भी अच्छा बना लो, बजट सेक्रेटरी इधर भी बैठ सकता उसे चले कर। लेकिन किधर किधर जमीन है गरीब लोगों के लिए वो इस्तेमाल करें, सब प्लान करें और अपन फंड्स भी ला दें और क्या करें। ये अल्लाह का हमारा किसके सब दे जाए, बड़े बड़े लोगों के लिए मदद देगा, आपके पीरियड में गरीब लोगों के लिए मदद करें। हम रोड पे 5-4 रोड पे और तैयबाजार का डेल वीजा वो प्रीपेड वाले बैठते थे, पानी के ऊपर मिलते थे। आज परमानेंट शॉप्स डाल के किसके एक पैसे तैयार रुपये बनने की जरूरत नहीं है। फिर सोलर लाइटिंग भी फ्री दे के हम लोग 200 तक शाबा दे दिया फ्री शॉप्स। और फूल का दुकान वाला है, फल का दुकान वाला है, उन लोगों को भी बच्चा शॉप्स डाल के उन लोगों को भी फ्री डालना बोल के हम लोग सोच रहे, पैसे भी शासित कर दिया और हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल कैंसर लीवर हार्ट भी आई हैदराबाद जाने की जरूरत है। वैसा रिम्स जैसा हॉस्पिटल पुराना कलेक्टर भी हम लोग बना रहे और हॉस्पिटल अच्छा हो गया। केसर की कहा गया शादी मुबारक आया और शादी मुबारक आया सियान सीन बना पा रहा और 6 महीना स्कूल हम इधर लाया 120 करोड़ से बिल्डिंग्स बना रहे। तेलंगाना में ज्यादा स्कूल इधर लाया, क्यों बोले तो इधर पढ़ना गरीब लोग पढ़ के अच्छा इंजीनियर डॉक्टर से करेना
खाली पंचा दुकान फल का फूल का दुकान नहीं, बड़े बड़े वो भी मिलना बोल के हम लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहू। आज की ये तकरीब जो वक्फ कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स की जो है वक्फ कॉम्प्लेक्स की सदारत जो हमारे मिनिस्टर साहब मुझ पर भरोसा करके दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला इसके डेवलपमेंट के लिए इसकी तरक्की के लिए मैं मिनिस्टर साहब से मदद लेते हुए इसके डेवलपमेंट के लिए हर वक्त काम करते रहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये हमारे पीरियड तक बहुत कुछ इंशाअल्लाह डेवलप होगा। और मैं हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब का और जो भी हाजरीन हैं जो मुझ पर भरोसा किए हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया। साथ ही साथ मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और कौसर मोहिद्दीन साहब रुकन स्टेट वक्फ बोर्ड का ममनून मशकूर हूँ। और साथ ही साथ रियासती सर भी श्रीनिवास गौड़ साहब का भी बेहद ममनून मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया है कि मैं यहाँ वक्फ कॉम्प्लेक्स में कुछ खिदमत कर सकूँ। हजरात यकीनन ये अल्लाह की जायदाद है, इसको डेवलप करने के लिए हम दिनों रात एक कर देंगे। जैसा कि पहले हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट्स के बारे में हम इंशाल्लाह श्रीनिवास गौड़ साहब से और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मशवरा करके वो प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। जहाँ कहीं यहाँ वक्फ कॉम्प्लेक्स के एरिए में कुछ ज़मीन पर नाजायज़ काबिजीन हैं जो अदालतों में भी केसेस जेरे द्वारा हैं, उस सिलसिले में बड़ी पकड़बंदी के साथ हम अल्लाह की जायदाद को बचाएंगे और आमदनी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। मंशे वक्फ में दो चीज़ें थी, गरीबों की खिदमत करना, हॉस्टल्स बनाना, मजबूर मुसलमानों की मदद करना। इंशाल्लाह मंशे वक्फ को हम मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि हमारे पास हमारे सदर भी एक बहुत ही मुतहरिक सदर हैं और कमेटी के तमाम अरकान भी बहुत अच्छे हैं, हम आपस में बैठ के एक अच्छा मशवरा करते हुए मुसलमानों के लिए जो फ़ायदा मंद सूद मंद जो फैसले होंगे वो फैसले यहाँ करेंगे। जो उम्मीद यहाँ की आवाम मुसलमानों ने हमसे रखी है इंशाल्लाह हम उसको पूरा करने की। नाज़रीन आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।